1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ये सो आज का है मोस्ट अवेटेड वीडियो हमारी एडॉप्शन की जर्नी का। तो हमारी एडॉप्शन की जर्नी स्टार्ट हो गई थी 2016 में, तो तब हमारी फिफ्थ मैरिज एनिवर्सरी थी। तो इन्होंने मुझे सरप्राइज दिया था और मुझे अनाथालय में लेके गए थे, जो हमारे सिटी के नजदीक ही है, और वहाँ पे हम प्रैक्टिकली एक बार पहले भी जा चुके थे। तो आप बोलो, आप मुझे क्यों ऐसे सरप्राइज देने लेके गए थे? दिमाग में चल रहा था ऐसे कि बच्चा अडॉप्ट तो करना ही है, लेकिन कुछ कोई बात नहीं की, लेकिन मन ही मन में चल रहा था। तो और ये मेरे दिल में चल रहा था जाने का, और मुझे पता नहीं था वो शॉक होगी, सरप्राइज होगी, हैप्पी होगी, डोंट नो। लेकिन गाड़ी से उतरते वक्त इन्होंने बोला चलो बच्चा अडॉप्ट कर लेंगे, चलेगा? तो मैं तो इतना शॉक हो गई थी और खुश भी हो गई थी, ये क्या है मतलब, तो मुझे कुछ बोला भी नहीं, डायरेक्टली कैसे ये आपको? मेरे दिल में भी था, क्योंकि लाइफ के 3-4 साल हमने देख लिए थे, ट्रीटमेंट लेके देखा था, काफी कुछ किया था, और फैमिली प्रेशर भी बहुत था, और मैं ज्यादा डिप्रेशन में जाने लगी थी, मेंटल प्रेशर बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट कर रहा था मुझे। तो इन्होंने जो एज अ फैमिली पर्सन, एज अ फैमिली हेड इन्होंने जो डिसीजन लिया, वो मेरे दिल में कहीं ना कहीं था, लेकिन वो डर रहता है कि कैसे बात करूँ, क्या पता ये इन्होंने अगर मना कर दिया, अगर एक बार इन्होंने मना कर दिया तो मैं बाद में तो ये टॉपिक ही नहीं निकाल पाऊंगी। इस डर से मैं कितने दिनों से मतलब ये दिल में लिए घूम रही थी, और ये न जाने ये भी लिए घूम रही थी, इनको लगता था मैं मना कर दूंगी। तो वो होता ही है, कॉमन है, ये सारे सब ऐसे ही सोचते हैं कि ये बहुत बड़ा डिसीजन है, और पार्टनर की सहमति सबसे इम्पोर्टेंट है, एंड देन फैमिली मेंबर्स आते हैं। तो और फिर अभी लगा क्या है, अभी आज जाएंगे बच्चा से लेकर करेंगे, प्रोसीजर की बात करके घर पे आ जाएंगे, फिर देखा जाएगा किसको बताने किसको नहीं बताने, तब देखा जाएगा। वहाँ पहुँचने के बाद पता चला कि अलग प्रोसेस है कुछ, तो वहाँ के एक मैडम ने सिर्फ हमें वहाँ पे जाके हमें पूछा कि मैडम हमें एडॉप्शन करना है, क्या है प्रोसेस वगैरह, तो मैडम बिजी थी शायद, उन्होंने सिर्फ हमें एक चीट पे लिख के दे दिया कि CARA यहाँ पे मिल जाएगा। हाँ, बात करने को उनको टाइम नहीं थी, बहुत बिजी थी मैडम, थोड़ा अरे क्या प्रोसेस है, मैं तो बात भी नहीं कर रही, कैसे पता चलेगा। फिर नेक्स्ट डे फिर ये आ गई पूरा डाटा लेके मेरे पास, ये CARA वेबसाइट है, ऐसा ऐसा है। तो फिर इससे पता चला कि वो CARA एक सेंट्रलाइज प्रोसेस होती है एडॉप्शन के लिए, फिर इसने क्या पता कहाँ से इतना स्टडी किया कि पूरा डिटेल कि क्या प्रोसेस होती है, कहाँ से होता है, उसके लिए क्या करना चाहिए, कहाँ हमें अप्लाई करना है, तो डिटेल लेके ये पूरे मेरे सामने रेडी। मैंने ऑनलाइन फॉर्म फिल कर दिया था, एजेंसी सिलेक्ट कर दी थी, 3 स्टेट मैंने सिलेक्ट कर दिए थे, और फिर इनको जाके बोला कि मैंने अप्लाई कर दिया है, गैस एजेंसी प्रोसीजर होती है। तो वो ऑफकोर्स CARA सिर्फ CARA लेके दिमाग में क्या क्या नहीं सोचा, वो ढूंढना बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल था। गूगल से ये बात पता चलेगी ये भी मुझे आइडिया नहीं थी, मतलब मैं इतनी सोशलाइज्ड नहीं थी, या मेरा नॉलेज इतना नहीं था कि मुझे यूट्यूब गूगल के बारे में इतना नॉलेज नहीं था, तो इसलिए मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा दिक्कत आई थी एडॉप्शन की वो प्रोसीजर फाइंड आउट करने में, CARA के बारे में जानकारी निकालने। एडॉप्शन के वीडियोस बनाने की आइडिया जो थी ये हम दोनों की थी, कि हमें कुछ प्रोसीजर्स के बारे में नहीं पता था, ना ही किसी के साथ डिस्कस कर पाते हैं हम, ये फ्रेंकली किसी को ओपनली बता भी नहीं सकते कि हम एडॉप्शन करने वाले हैं, कि आपको कोई पता होगा तो आप मुझे हमें पता नहीं थी एडॉप्शन एजेंसी की, जो HSR एजेंसी जो थी हमारी, तो वहाँ के जो निर्मल शिंदे सर थे वो बहुत पोलाइटली उन्होंने सब कुछ समझाया मुझे, इन डिटेल समझाया, और फिर 1 घंटे तक हम बात कर रहे थे और अच्छे से समझाया मुझे, इसलिए मैंने वही HSR की एजेंसी फाइनलाइज कर दी। अपॉइंटमेंट लेके वहाँ पे चले गए हम एजेंसी में, फिर पर्सनली उनसे मिले, उनसे पूरी डिटेल बात हुई, उन्होंने हमारी डिटेल इन्फॉर्मेशन ली, मतलब हम कितने मेंटली रेडी प्रिपेयर्ड है फॉर अडॉप्टिंग द बेबी, वो सब उन्होंने देखा। हाँ, उस हिसाब से फिर उन्होंने हमें अभी प्रोसीजर समझाई, फॉर्म दे ही नहीं रहे थे हमें, 1-2 घंटे तक हमारा इंट्रोगेशन हुआ अच्छे से, फिर फॉर्म मिलाया हमें, बोला जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो सबमिट करने पड़ेंगे, तो हमने देखा लिस्ट बहुत बड़ी थी, लेकिन मतलब करना है तो करना ही है। तो वहाँ से आए, आते आते मैडम ने
ऑन द वे सब देख लिया था क्या लिस्ट है क्या नहीं, फिर सब प्लान बना रहे आज इधर आज उधर, ये प्लान आउट प्रिपेयर करके लगभग हमने 10 days में हमने पूरा कंप्लीट कर लिया, पुलिस वेरिफिकेशन और डॉक्टर डॉक्यूमेंट पूरा लैब सब 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 कुछ जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट थे पूरे, और वो लेके चल उनको फोन मतलब 10 days के अंदर हमारे प्रैक्टिकली सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी। सबका रोल बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब जो प्रिंसिपल उन्होंने जिन्होंने साइन ले लिए एक या डेढ़ घंटे में, पुलिस क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन को ही ना बहुत दिन लग जाते, लेकिन हम थोड़े से ओपन भी थे और हम जो आंसर पूछ रहे उनके पोलाइट आंसर भी दे रहे थे, शायद इसलिए वो लोग कोऑपरेट कर रहे थे पता नहीं, लेकिन कोऑपरेट करते हैं तहसीलदार बहुत कितने लोग आते हैं इस रोल में, तो सबने अच्छे से कोऑपरेट किया क्योंकि कहीं पे भी ना रिपीट नहीं जाना पड़ा हमें कि आज नहीं हुआ काम कल आओ, ऐसे कहीं नहीं। जब भी हम जाते थे किसी के पास भी रिजल्ट पूछते थे क्या किसके लिए चाहिए, सिर्फ बताते थे एडॉप्शन एडॉप्शन, तो हमें किसी ने कहीं पे भी कुछ भी तकलीफ नहीं दी, देरी भी नहीं लगाई, तुरंत हमें मिल गए हमारे सब डॉक्यूमेंट। और फिर सब रेडी होने के बाद हमने सिंधे सर को फोन किया, सिंधे सर हमारा सब रेडी हो गया है आप कब मिल सकते हैं, तो वो भी शॉक हो गए ऐसा तो नहीं हो सकता इतने जल्दी तो कोई डॉक्यूमेंट होते नहीं है। लगभग हमने हमारे एनिवर्सरी के दिन जब डिसाइड किया उसके 2-3 बाद लगभग ये करके हमें नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट डेट को हमें शायद वेटिंग लिस्ट भी मिल गई थी, शायद डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद विद इन 3 डेज तो हमारा एचएसआर भी हो गया क्योंकि उन्होंने भी कोऑपरेट किया कि आप इतना जितना हो सके हमारी तरफ से कोऑपरेशन दे दिया था उनको, तो उन्होंने किया था 3 दिन, मतलब ऑनलाइन फॉर्म फिल होने के 26 या 27 days जनवरी या फरवरी में हमें ऐसे लगने लगा कि हमें अप्लाई करके ऑलमोस्ट 7 या 8 मंथ्स हो चुके हैं, एंड फिर भी ना हमारा एक स्टेट ऐसा था कि वो इतना अच्छे से हो रहा था, हाँ यानी 100 या कुछ ही नंबर आगे गया होगा, तो हमने वो स्टेट भी चेंज कर दिया। तो ये जो था पूरी जर्नी जो थी हमारी फ्रॉम एप्लीकेशन, हम बहुत पॉजिटिव थे एडॉप्शन को लेके, डर हमें भी था रिलेटिव्स में पता चलेगा तो वो क्या कहेंगे लोग क्या कहेंगे, ये सबको डर रहता है, लेकिन हमने ना ज्यादा एक बार ठान लिया चलो जो होगा वो देखा जाएगा, और इम्पोर्टेंस हमने हमारी हैप्पीनेस को ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया, लोगों की हैप्पीनेस को नहीं इम्पोर्टेंस दिया, इसलिए वो हमारे लिए शायद हमारे लिए थोड़ा सा आसान है। मतलब आई गेस हमने मार्च में कुछ तो अप्लाई किया था एंड जनवरी फरवरी में वगैरह हमें लगने लगा कि मई एंडिंग तक तो 100% बेबी का रेफरल आने वाले है, मतलब तब एक स्टेट में जो सबसे ज्यादा था 1,500 तो उस स्टेट का तब कितना आया था 500 तक आया, मतलब इतना भी हम क्लोज नहीं आए थे 100 के, फिर भी वो एक इंट्यूशन होता है ना कि नहीं हमें तो मई एंड तक 100% पक्का वाला आने वाला है, तो चलो अब उसकी तैयारी कर लेते हैं, परचेसिंग चालू किया प्रैक्टिकल क्या चाहिए, लोग बोलते हैं कि ये तैयारी नहीं करनी चाहिए, लेकिन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, रेफरल आता है और ऐसे लाने को जाना पड़ता है, सब नहीं हो पाता ना तो करना ही पड़ता है। मतलब मेरे मम्मी पापा तो इतना टेंशन लेते थे कि पता नहीं मेरी बेटी तो पागल ही होने वाली है अगर नहीं आया मैं एंडिंग तक रेफरल, क्योंकि हमें बोला गया था कंप्लीट 2 ईयर तो लगेंगे ही, तो तब तक तो हमें जस्ट 1 ईयर कंप्लीट होने को था, हुआ भी नहीं था, लेकिन मैं तो फुल ऑन जोन में, और ये भी हम इनर पॉजिटिविटी जो होती है वो तब हमने देखा है, वो इनर पॉजिटिविटी किसे बोलते हैं, शायद मे एंडिंग का पीरियड था, मे एंड लास्ट वीक चल रहा था, मतलब जो हम इतने महीनों से बोलते आ रहे थे वो सच हुआ, सच में मे एंडिंग को हमें रेफरल आ गया। मैं एक शॉप में था, ये एक शॉप में थी, और सुबह ही नहीं पहले दिन हमें जिस दिन रेफरल आया उसके पहले दिन बहुत डिप्रेस हो गई है, बोली कि टेंशन तो आता ही है ना, इतने पॉजिटिव है मुझे लग रहा था अब तो आ जाएगा मई महीना भी एंड होने को आ रहा है, लिटरली एंड को आया है, हाँ पूरा एंड हो जाएगा, लेकिन मई में मेरे को होप्स थे कि मई में आ ही जाएगा बच्चे का रेफरल, मैसेज आया रेफरल आया है आपको, लिंक थी वहां पे,
प्रोफाइल ओपन किया, प्रोफाइल ओपन करने के बाद देखा मैंने कि यहाँ रेफरल आया है, बच्चे का प्रोफाइल था और फोटो था। प्रोफाइल ओपन करने से पहले थोड़ा खुद को शांत किया, थोड़ा इमोशनल हो गया था, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा था, कुछ बोलता बताया नहीं मैंने उसको तभी। फिर और एक घंटे बाद मेरे को ऐसा फील हुआ, बताना तो चाहिए अभी, अगली भी प्रोसेस करनी चाहिए ऐसे वैसे, लेकिन हमारा शॉप था मेडिकल फार्मेसिस्ट हो गया हमारा, तो वो डिस्टर्ब हो जाएगी वहाँ का। फिर वापिस लगभग एक डेढ़ घंटे के बाद सोचने के बाद सोचा कि बताना तो जरूरी है, अगली प्रोसेस करनी है, तो उसे मैंने फोन किया और बताया कि सारिका मैसेज आ गया है। हाँ। वो तो ऑफ मोड थी, वो किसका आया कहाँ से मैसेज आया है, इमोशनल सब होते हैं, कौन नहीं होता, सब माँ इमोशनल हो जाती है। फिर हमने उस दिन क्विकली CSR एजेंसी को कंफर्मेशन नहीं दिया था हमारा। रेफरल आने के बाद हमारे पास 48 आवर्स होते हैं, ये हमें पता था, एंड कस्टडी में लेने के लिए उसके फिर आगे 15 डेज स्टार्ट हो जाते हैं, तो इसलिए हमने वो 48 आवर्स हमको जैसे बोला गया था हमने वैसे ही किया। हमारे HSR एजेंसी के काउंसिलर ने हमें ये सब कुछ समझाया था, क्विकली रिजर्व नहीं करना है। तब तक हमने क्या किया, फिर फ्रॉम आफ्टरनून लंच ब्रेक से ही हमने प्रोसीजर स्टार्ट कर, जो जो डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं जो पता थे वो सारे कलेक्ट करके रख दिए, क्योंकि उनको कॉल नहीं कर रहे थे इसलिए पता नहीं चल पाया था। ब्लड टेस्ट वगैरह जो जो डॉक्यूमेंटेशन उनको पता थे वो हमने रेडी करवाए, बाकी की प्रोसीजर की जैसे कि वेलकम फंक्शन की तैयारियाँ, इसकी बैग ऑलरेडी। लेकिन अभी बच्चे का एज पता चला, 4 months का बेबी है, तो उसके हिसाब से कपड़े घर पे लगी गई, इसके पूरी रूम रेडी करके रखी थी, और भी बहुत सी जो चीजें होती, इसलिए हम जो पिछले 2-3 महीने से तैयारी कर रहे थे वो अब काम को आ गई हमारे, क्योंकि प्रैक्टिकली हमें 4-5 घंटे में ये सब कुछ रेडी हो गया था हमारा, क्योंकि शाम को वापस शॉप्स में भी तो जाना था इनको, इनके मुझे मेरे, इसलिए हमारे पास इतना लिटरली हाथ में वक्त नहीं था कि हम बैठ के सोचे अब करें क्या। तो नेक्स्ट डे हमने रिजर्व किया बेबी, कंफर्मेशन दी, फिर वहां से जहाँ पे बेबी था उस एजेंसी से बात हुई, हमने रिजर्व किया है और हम आ रहे है, चार पाँच दिन में हम पहुंच जाएंगे, क्योंकि वो डिस्टेंस बहुत था, सब प्रिपरेशन करके जाना था हमें। जो भी उन्होंने ब्लड सैंपल्स बोले थे या जो भी डॉक्यूमेंटेशन थे, जो मैंने आपको एक वीडियो में बोला है, हमें 2-3 डॉक्यूमेंट्स थे जो मराठी में थे वो हमको इंग्लिश में ट्रांसफर करा के लेने पड़े, फिर वो सब प्रोसीजर को हमें 2-3 दिन लग गए, इसलिए हम दो तीन दिन बाद या आप अगर कम्प्लीट रेडी हो आप नेक्स्ट डे भी जा सकते हो बेबी को लाने के लिए। तो फिर एक डेट डिसाइड करके हमने प्लान किया कि अभी इस डेट को हम चले जाएंगे, तो साथ में हमारे इसके पापा थे। हाँ, मेरे पापा और अंकल थे, मतलब तब तक भी हमने ढिंडोरा नहीं पीट दिया था कि सबको कि हाँ हमारे घर आए, नहीं, इनके घर पे पता था, मेरे घर पे पता था, दैट्स इट। छुट्टियां ली थी, उनके भी रीजन ऐसे नहीं बताए थे कि हम बेबी लाने जा रहे, नहीं, किसी को नहीं पता था, क्योंकि वहां पे जाने के बाद भी आगे क्या प्रोसीजर है किसी को पता नहीं है, एंड इतनी लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी थी, 2 दिन लगने वाले थे हमें पहुंचने के लिए। हाँ। इसलिए ये हम तक ही रखे, तो मेरे पापा का भी यही कहना था कि जितना कम लोगों को पता चले वो अच्छी बात है। एज पर प्लान जल्दी में हम लगभग 5 बजे निकल चुके थे घर से, नेक्स्ट डे पहुंचने के बाद उस एरिया में उनसे एक लगभग 40-50 किलोमीटर दूर थे, तभी उनसे बात हो गई, सर हम पहुंच रहे हैं, तो उन्होंने क्या कहा कि आप पहुंचिए, होटल लीजिए, रुकिए वहाँ पे, 10 बजे होके फिर आइए। लेकिन हमें बहुत बहुत क्यूरियोसिटी थी और आस थी बहुत, कब बच्चा मिलेगा हमारे, 6 साल के बाद बेबी लाइफ में एंटर हुआ, तो गाड़ी में डिस्कस हुआ, नहीं हम होटल तो नहीं जा रहे, सीसी में ही जा रहे बच्चे को देख, तो पहुंच गए वहां पे, तो वो भी चौंक गए कि नहीं यार बोला था आपको, तो रुक के आ जाओ, तो आप तो तुरंत आ गए,
ठीक है आ गए तो बैठ जाइए, फिर वहाँ से वो जो वहाँ पे के रिप्रेजेंटेटिव थे तो उनसे बातचीत हुई। मतलब वहाँ पे हमें लगभग एक या डेढ़ घंटा वेटिंग करना पड़ा क्योंकि वो लोग रेडी नहीं थे प्रैक्टिकली, उनके जो हमारा प्रोफाइल चेकअप होता है वगैरह वगैरह वो उनका हुआ नहीं था, तो हमारे सामने उन्होंने कर लिया। और प्रैक्टिकली हमारी गुड़िया सोई हुई थी तो उसका नहलाना उसकी मालिश वो सब बाकी था, तो उन्होंने बोला उसके टाइम तक आप लोगों को आपको रुकना पड़ेगा। हमने बोला हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम वो करने को तैयार है। तो वो सब प्रोसेस चल रही थी, कौन सा बच्चा आया तो फिर ये तू थी? हमारा प्यारा बच्चा केयरटेकर लेके आ गई। ओके तो मतलब मैंने वेट भी नहीं किया कि वो बोलेंगी कि लेना है क्या आपको, बच्चा सीधा जाके हाँ, तो दे दो मेरा बच्चा। तो फिर उसको लेके आए सामने, ये छोटा सा बंदर नींद से उठा, फ्रेश था, हंसते हंसते खेल। प्रैक्टिकली बोलू फोटो एंड रियलिटी में जमीन आसमान का डिफरेंस था, जमीन आसमान का। मतलब मैं जो बार बार बोलती रहती हूँ ना कि फोटोज देख के बेबी को कभी रिजेक्ट मत करो, बेबी क्या जोन में होते हैं, क्या मूड में होते हैं, नींद से उठे हुए थे, वहां पे कोई केयर नहीं लेते, फोटोज निकालते होते हंस रहा है नहीं हंस रहा है। क्योंकि प्रैक्टिकली अगर हम वो रिजेक्ट कर देते रेफरल क्योंकि फोटो अच्छी नहीं थी, तो आज हम कितनी बड़ी खुशी से मुकर जाते होंगे, क्योंकि बहुत जमीन आसमान का डिफरेंस था मेरी प्रैक्टिकली मेरी स्कूल और फोटो में मेरी स्कूल। तो इसलिए कभी भी रिजेक्ट मत करना रेफरल। इसे लेके जो बातें करते हैं ना, तो पहले हमने ऑफकोर्स पूछा था जस्ट ऐसी क्यूरियोसिटी के लिए कि क्या वो मतलब बातें करने के बाद हाँ ऐसे जो करते हैं बच्चे क्या वो रिएक्ट करती है, तो मैंने बोला नहीं छोटी बच्चे हमारे 4 महीने की बच्चे से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो उनको ऐसे लगा कि मैं उसको जज कर रही, नहीं मैं जज नहीं कर रही, मैं ऐसे ही पूछ रही थी। लेकिन जब मैंने उसको प्रैक्टिकली लिया, ऑफकोर्स मैंने उसे बातें करी कि तू कहाँ थी बेटा, मम्मा वॉज वेटिंग फॉर यू, मम्मा कितना रोई, और मैं तो बहुत गंदी तरीके से रोई जा रही थी। मैं रोई, स्प्रुहा भी सेम, सेम मतलब ऐसा नहीं था कि सिर्फ मैं हैप्पी थी या सिर्फ ये, स्प्रुहा वॉज द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन इन दैट रूम। मतलब ये जो रिएक्ट कर रही थी इसको देख के वो जो थे वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव थे वहाँ तो खड़े हो गए। अब देखा मैम, मैंने बोला था ना पेरेंट्स जितना बेबी को वेट करते उससे कई ज्यादा बेबीज भी पेरेंट्स के लिए वेट करता है। वो मोमेंट आए मतलब विश के हम कैमरा में कैप्चर कर, इतना नहीं सोचता ना तब इतना कहा कि मेरे हाथ से फिर मुझसे 1-2 मिनट या 5 मिनट तक बातें की मैडम जी ने, और फिर इसे मतलब अच्छे से ढूंढा है मेरे अंकल मेरे पापा और बीच में कल्पेश थे, पप्पा के कल्पेश की तरफ देख के बरसों की अरे कब से पहचान थी हमारी, और फिर कहा थे क्यों इतना लेट आए ऐसे पूछ रही हो जैसे। बहुत इमोशनल था वो, मतलब बहुत हैप्पीएस्ट मोमेंट था हमारी लाइफ का, इमोशनल था पूरा। और डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस वो भी पूरी करनी थी, कस्टडी लेनी थी, फोस्टर केयर प्रोसेस करनी थी, फोस्टर केयर के डॉक्यूमेंट कंप्लीट करने थे शाम तक। तो मतलब ओवरऑल प्रोसीजर को हमें बहुत देर लग गया, ऐसा नहीं कि सभी को लग जाता है। अभी वहाँ पे जो जो इम्पोर्टेंट वो जो उनके बॉडी मेंबर्स बोलो आप या जो लोग होते हैं लॉयर से लेके सब अगर ऑन टाइम वहाँ पे आ जाएंगे तो क्या 1-1.5 घंटे की प्रोसीजर है, लेकिन नहीं हुआ ना, प्रैक्टिकली नहीं होता। सब जो प्रोसीजर थी उसको हम सुबह 11 बजे हमें स्प्रू को हाथ में दिया था, ओवरऑल प्रोसीजर होते होते शाम के 7 बजे क्योंकि देखो वहाँ पे जाने के बाद वो आपकी एक छोटा सा इंट्रोगेशन होता ही है, बहुत लाइट क्वेश्चंस होते हैं बेबी के बारे में, वो आपको बताते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ छुपाते हैं, बेबी कैसे आया क्या सिचुएशन में आया सारा सब कुछ CSR में तो ऑलरेडी मेंशन होता है, लेकिन वो लोग भी बताते हैं बेबी के बर्थ डेट रियल है या नहीं है, या मतलब ऐसे ही उन्होंने दे दिया, एक अंदाजन होता है ना कि ये 2 दिन का बच्चा है, डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि ये इतने टाइम का बच्चा है, सारा सब कुछ बता देते, इसलिए वो बातें मत रखो दिमाग में। एक और अभी बहुत क्वेश्चंस आते रहते कि बीमारियों के बारे में क्या, तो उनकी टेस्ट बच्चे के रिपोर्ट टेस्ट ब्लड टेस्ट रिपोर्ट वहाँ पे अटैच होते हैं, उसके अलावा अगर आपको कुछ टेस्ट करानी होंगी अगर वो वैलिड हो गई उनकी तरफ से, अगर आपको परमिशन मिल गई तो आप सेम डे जाके डॉक्टर के पास लेके जाके वो टेस्ट करा सकते हैं, लेकिन उसके रिपोर्ट्स फिर 2 या 3 दिन बाद आएंगे ना, तो इसीलिए वो रिजर्व करने के बाद कस्टडी एक्चुअली लेने तक का जो प्रोसीजर होता है उसके बीच वाले दिन में आप ये करा सकते हो। एंड हमें रेफरेंस कितने आए थे, हमें सिर्फ एक रेफरेंस आया था, तब ऐसे था रूल कि 3 फोटोज आएंगे उसमें से एक आपको सिलेक्ट करनी है,
लेकिन हमें एक ही फोटो आया था एंड स्प्रू वॉज आवर फर्स्ट रेफरल, ऐसे नहीं कि उसके पहले कुछ आके गए हमने रिजेक्ट किए, नहीं, स्प्रू हमारा फर्स्ट रेफरल था। अभी वहाँ पे डोनेशन देना है नहीं देना है कम्प्लीटली आपके ऊपर है। एडॉप्शन की कितनी फीस होती है ये मैंने फीस वाले वीडियो में इन डिटेल बताया है आपको। इसके अलावा हमने कुछ पैसे नहीं देने, लॉयर के भी एक्स्ट्रा पैसे, लॉयर के भी एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने होते हैं। तो आपको जो ऐसे लोग मतलब आपसे कुछ ना कुछ गलत सलत बोल के आपसे पैसे लेते हैं ना, तो मत दो पैसे। कारा से इंक्वायरी करो, आप कारा से टोल फ्री नंबर पे कॉल करो या कुछ ना कुछ तो आपकी तरफ से करो, क्योंकि एक्स्ट्रा पैसे देना है ऐसा कहीं कारा पे नहीं लिखा है। आगे प्रोसेस में जो कारा के गाइडलाइन में जो मेंशन है बस उसी तरह से करना है। और कुछ अगर रहेगा कि कुछ इन्वेस्टमेंट या फिर कुछ इंश्योरेंस वगैरह, वो आपके एजेंसी के हिसाब से डिपेंड करता है, वो आपको बता देते हैं। हर एजेंसी का रूल अलग होता है, हमारी एजेंसी की तरफ से ऐसे कोई कंपल्शन नहीं था कि आपको कंपलसरी स्प्रू की पॉलिसी वगैरह निकालनी है। लेकिन कौन से माँ बाप ऐसे होते हैं जो उसके मतलब बच्चे की पॉलिसी नहीं निकालते, हमने तो निकाल दी थी बर्थ सर्टिफिकेट आने के बाद, तो हमारे हाथ में, हमें जितनी अमाउंट ऑफ चाहिए उतनी हमारे बजट के अकॉर्डिंगली निकालनी है। क्योंकि तो शाम को 7 बजे तक पूरी प्रोसीजर कम्प्लीट हो गई, हम चल दिए, निकल लिए हमारे सफर में। वो दिन बहुत टफ था, मतलब बहुत ज्यादा टफ था, इसके लिए भी प्रैक्टिकली टफ था मेरे लिए। मुझे लेने के वक्त बाबा थे, मेरे माँ पापा थे, आज सब थे गाड़ी में, मुझे लेके आए थे। अच्छा सब याद फिर उस दिन वहीं पे हॉल्ट किया, उसी एरिया में हॉल्ट किया। फिर सुबह सुबह एज जल्दी निकल गए, 7 बजे के आसपास, मतलब अर्ली मॉर्निंग निकल गए। 2 दिन लगे हमें घर आने, बाय कार गए, बाय कार ही गए थे, वो निकल गए। फिर जो ट्रैवलिंग की जर्नी थी, तो मेरा और स्प्रुआ का एक फर्स्ट इंटरेक्शन था। यानी अजून अजून हा नमो नमो कर, नमो 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 किशन, नमो 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 काल को गप्पा नहीं मारती ना, आज गप्पा मारती ना। नमो नमो नमो। मैंने ना इनके हाथ ही नहीं लगने दी स्प्रू। जैसे शाम से 7 बजे से स्प्रू को मैंने चिपक लिया, के बैठ गई मैं, मतलब उसको गोदी से ना मैंने नीचे उतारा है, रात को सोते वक्त सब दूर रहेंगे स्प्रू मेरे पास ही रहेंगे स्प्रू, जैसे हम इससे बच्चे को छीनने वाले। मतलब मुझे आज मतलब बुरा लगता है बहुत बार ये सोच कि मैंने प्रैक्टिकली एक बार भी नहीं सोचा कि मैं माँ बनी, ये भी तो पापा बने, इनको भी तो खुशी होगी। No, I was very possessive and very protective about her. कि नहीं, कोई नहीं लेगा, मुझे ऐसे लगता था सब गिरा देंगे। क्या excited थी, चलो emotional भी थी थोड़ी। तो हमें return journey में 2 दिन लगे घर पे आने। 2 दिन लगे। बहुत simple तरीके से welcome function arranged किया था। इनके सारे family members मेरे, सारे माने close family members। Just family members। क्योंकि 15 से 20 के ऊपर हमें जाना ही नहीं था, क्योंकि बच्चे के बारे में भी तो सोचना था, वो भी तो डर जाएगी उसने। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग था, उसे भी आराम करना था। 1000 मोर देन 1000 गाड़ी की आदत नहीं थी बच्चे को। मोर देन 1000 किलोमीटर था ना, मोर देन 1000 किलोमीटर था सिंगल जर्नी।
इसलिए फिर उसके बारे में भी तो सोचना था। तो बहुत लोगों के ये क्वेश्चंस आ रहे हैं कि आफ्टर एडॉप्शन बेबी की केयर कैसे लेनी है, तो कैसे केयर लेनी, उसका वीडियो अलग से आएगा। अभी इसके आगे नहीं बोल पाएंगे ना, बहुत अभी ये वीडियो ही काफी लेंदी हो गया एक्चुअली, क्योंकि हम काट छाट के नहीं बोलना चाहते थे, हम एज इट इज हमारा जो था एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहते थे। तो हमारा एक्सपीरियंस काफी काफी एक रोलर कोस्टर की जर्नी थी, लेकिन एंड उसका बहुत अच्छा। अच्छे से हो गया, बहुत ही हैप्पी नोट पे शैतान मिल गया हमें, शैतान। और अब इस शैतान को सबसे ज्यादा कौन पसंद है, मम्मा या पापा? दोनों ये पॉलिटिकल आंसर है। पापा की सबसे ज्यादा कौन? तो अगर आप में से किसी को भी आपके एडॉप्शन की जर्नी, आपके एडॉप्शन की स्टोरी शेयर करनी है, तो मुझे ईमेल कीजिए। मेरा ईमेल आईडी यहाँ पे ऊपर भी आ रहा होगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है ईमेल आईडी। तो आप मुझे ईमेल कीजिए कि आपको आपके एडॉप्शन की जर्नी शेयर करनी है, फिर हम देखते हैं हम कैसे एक दूसरे के साथ रिलेट हो पाए। किसी को अगर उनका फेस रिवील नहीं करना है, उनका नाम रिवील नहीं करना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम फेस पे ब्लर वगैरह डाल के भी आपकी जर्नी शेयर करते हैं। तो आप कनेक्ट हो जाइए और हम एडॉप्शन की जर्नीज की सीरीज लाने की कोशिश करेंगे, देखते कितने लोग खुल के सामने आ पाते हैं। आज के लिए इतना ही। तो हमारी ये प्यारी सी नन्ही सी गुड़िया की जर्नी और हमारी जर्नी ऑफ कोर्स अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब द चैनल, अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।